नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव हो चुके हैं। उपचुनाव के बीच में कई चीजें देखने को मिली, धांधलीबाजी देखने को मिली, EVM में गड़बड़ी की बात कही कही, और यहां पर एक बुरखा पहने महिलाओं को यहां पर वोट डालते हुए भी देखा गया, जिसमें कई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। लेकिन इसी बीच कौन यहां पर जीतता हुआ नजर आ रहा है और कौन यहां पर हार का सामना कर रहा है, इसको लेकर भी अनुमान का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ और यहाँ पर देखा जाए समाजवादी पार्टी है, इन दोनों के बीच में एक कड़े की टक्कर देखने को मिली है और यहाँ पर लगभग दोनों बराबरी के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर आगे निकलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर मतदान 51% तक ही पहुँच पाया। भाजपा के समर्थित माने जाने वाले यहाँ पर नोनिया चौहान, राजभर निषाद और कुर्मी मतदाताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं सपा की तरफ से बात कही जाए तो यहाँ पर काफी लोग वोट डालते हुए नजर आए और यहाँ पर मुस्लिम और यादव समाज के साथ समाजवादी पार्टी के लोग जुड़ते हुए नजर आए और यहाँ पर जो उनका उम्मीदवार जो प्रत्याशी उतारा गया था सुधाकर सिंह, उनको सीधे तौर पर यहाँ पर एक तरीके से वोट ज्यादा मिलते हुए नजर आ रहे, क्योंकि यहाँ पर कई दलों का समर्थन यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ दलितों का, दूसरी तरफ मुसलमानों को और तीसरी तरफ यादव समुदाय का यहाँ पर वोट अखिलेश यादव को मिल रहा है, जिसकी तरफ से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जीत सीधे तौर पर दर्ज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कई ऐसे कदम है जिसकी वजह से यहाँ की जनता अब उन्हें पसंद करती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में देखा जाए तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी का कद घोसी में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है रुझानों को लेकर कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी यहां पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर बाजी मार जाएगी? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।